सोनू, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो चूचू चार्ल्स के हाथों से हम दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ मोनू, थोड़ा जल्दी करो, मौसम भी खराब हो रहा है, वरना हम दोनों इस आइलैंड में फंस जाएंगे और मारे जाएंगे। सोनू और मोनू को आइलैंड से बाहर निकलना था, क्योंकि एक ट्रेन एक एक करके कई लोगों को मार रही थी। दोनों किसी तरह कुछ दूर गया ही था, लेकिन तभी ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ती है। सोनू भाग, जल्दी से भाग, वो आ गई, वो शैतान ट्रेन आ गई। हाँ मोनू, चूचू चार्ल्स हमारे आसपास ही है। सोनू और मोनू लगातार भाग रहा होता है, लेकिन तभी सोनू रुक जाता है। अरे सोनू, तुम रुक क्यों गए, हमें यहाँ से भागना है। मोनू, अब हम दोनों नहीं बच सकते, क्योंकि चूचू चार्ल्स हमारे आगे ही है। मोनू जब अपने आगे देखता है तो वहाँ चूचू चार्ल्स दिखाई पड़ता है, जिसके चलते वह भी डर जाता है। सोनू, तेज आवाज एकदम मत निकालना, चूचू चार्ल्स अभी हमें नहीं देखा है, चलो दूसरी तरफ से निकलते हैं। सोनू मोनू जैसे ही दूसरी तरफ से निकलने वाला होता ही है, लेकिन तभी चूचू चार्ल्स उन दोनों को देख लेता है। भाग सोनू भाग, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है। अरे बाप, चूचू चार्ल्स कितना खतरनाक है, भागो। चूचू चार्ल्स से बचने के लिए सोनू और मोनू बहुत ही तेजी से भागता है, पर वह चूचू चार्ल्स से तेज नहीं भाग पाता है। चूचू चार्ल्स पीछे से दोनों पर हमला करता है, जिसके बाद दोनों नीचे गिर जाता है। चूचू चार्ल्स, हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। सोनू और मोनू अपनी जान की भीख चूचू चार्ल्स से मांगता है, पर चूचू चार्ल्स किसी का भी बात नहीं मानता है और उन दोनों को मार डालता है। नो नो नो। चाचा, अरे ओ चाचा, कहाँ हो? क्या हुआ बेटा? चाचा, आपका दो बेटा मारा गया है और एक बेटा अभी भी गायब है। अपने दो बेटे के मौत की खबर सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। पर चाचा, आप क्या करोगे? चूचू चार्ल्स से मुकाबला हम सब नहीं कर सकते। हम लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, हमारी रक्षा भगवान करेंगे। कोई तो हिम्मत वाला होगा इस दुनिया में, जो चूचू चार्ल्स का अंत करेगा। पर चाचा, वो कौन हो सकता है जो चूचू चार्ल्स का अंत करेगा? वो तो मुझे भी नहीं पता है, पर कोई तो यहाँ आएगा और चूचू चार्ल्स का अंत जरूर करेगा। पर चाचा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं उस व्यक्ति की तलाश में जा रहा हूँ जो चूचू चार्ल्स का अंत कर सके। चूचू चार्ल्स का अंत करने के लिए वह बूढ़ा व्यक्ति एक पीसीओ के अंदर जाता है और अनजान लोगों को कॉल करता है। गुप्ता जी, होली आने वाली है, तो क्या बोलते हो आप, इस बार मिठाई की पार्टी किया जाए? हाँ क्यों नहीं मिश्रा जी, इस बार होली में कई तरह के पकवान खाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी होली में मजा करने के लिए आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी मिश्रा जी का फोन बजता है। हेलो, कौन, क्या, ये कैसे हो सकता है, आप कहाँ से बोल रहे हो? आइलैंड। ठीक है ठीक है। क्या हुआ मिश्रा जी, किसका फोन था? गुप्ता जी, कोई नया नंबर से फोन आया था और वह अजीब अजीब बातें बता रहा था। कैसी अजीब अजीब बातें मिश्रा जी, मुझे भी तो बताओ। गुप्ता जी, आवाज से तो कोई बूढ़ा व्यक्ति लग रहा था और वह बोल रहा था कि कोई ट्रेन उनके लोगों को मार रहा है। अब आप ही बताइए, ये कैसे हो सकता है? मिश्रा जी, ये तो अजीब है, पर यदि यह सच हुआ तो सोचो वहाँ क्या हाल होगा। गुप्ता जी, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना कॉल करके उस बूढ़े व्यक्ति से पूछ लिया जाए। मिश्रा जी वापस से उसी नंबर पर कॉल करता है, पर वह नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताता है।
गुप्ता जी अब क्या करें, कॉल तो लग नहीं रहा है। मिश्रा जी, अब इसका सही जानकारी तो बाबा ही बता सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम जाने लगते हैं, और उधर बूढ़ा व्यक्ति हर बार की तरह निराश होता है, क्योंकि फिर से उसकी बातों का कोई यकीन नहीं किया था। प्रणाम बाबा। बोलो गुप्ता जी और मिश्रा जी, अचानक यहाँ आए, कोई समस्या है क्या? हाँ बाबा, कुछ समय पहले मिश्रा जी को कोई कॉल आया था, और वह बोल रहा था कि एक ट्रेन सबको मार रहा है, और वह कोई आइलैंड के बारे में भी बता रहा था। मैं समझ गया गुप्ता जी, तुम्हें पता करना है कि क्या कोई ट्रेन किसी को मार सकता है, और अगर ऐसा है तो ये कैसे संभव है। हाँ बाबा, मुझे यही पता करना है। बाबा वहीं बैठ जाते हैं और अपने मन की शक्ति से पता करने की कोशिश करते हैं। बाबा अपनी मन की शक्ति से वह सब देख पाते हैं जो उस आइलैंड में हो रहा था। गुप्ता जी, मुझे सब पता चल गया है, लेकिन वह आइलैंड बहुत ही खतरनाक है। बाबा हमें सब बताएं, ताकि मैं और मिश्रा जी उन लोगों की मदद कर सकें। नहीं गुप्ता जी, तुम दोनों उस आइलैंड पर नहीं जाओगे। क्यों बाबा, ऐसा क्या है वहाँ जो आप हमें वहाँ जाने से रोक रहे हैं? गुप्ता जी, वहाँ किसी बुरी शक्ति का साया है, और वहाँ सच में कोई ट्रेन जिसका नाम चूचू चार्ल्स है, जो सबको मार रहा है, इसलिए तुम दोनों वहाँ नहीं जाओगे। यदि बाबा मैं और मिश्रा जी वहाँ नहीं गए तो उस आइलैंड के लोगों को कौन बचाएगा? गुप्ता जी, उन लोगों की रक्षा करने मैं वहाँ जाऊँगा, और तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करोगे। पर बाबा हमें भी जाना है। नहीं गुप्ता जी, वहाँ बहुत खतरा है। बाबा अकेले ही उस आइलैंड के लोगों का रक्षा करने के लिए निकल जाते हैं। गुप्ता जी, बाबा तो अकेले ही चले गए, अब हम दोनों यहाँ क्या करेंगे? मिश्रा जी, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया है गुप्ता जी? मिश्रा जी पहले घर चलो, वहीं मैं सब बताता हूँ तुम्हें। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर की तरफ चले जाते हैं, और उधर बाबा उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बाबा आइलैंड पहुंचते ही देखते हैं कि वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव वालों से मिलने के लिए बाबा कुछ दूर आगे बढ़ते ही हैं, तभी बाबा को ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये तो किसी ट्रेन के आने की आवाज़ है। बाबा अपने पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक ट्रेन उनकी तरफ आ रहा है। लगता है यही चूचू चार्ल्स है। चलो अच्छा है मेरी मुलाकात इससे हो गई। इसे मारकर गांव वालों के मन से इसका डर खत्म कर दूंगा। चूचू चार्ल्स तेजी से बाबा के पास आ जाता है। अब तुम गए बुरी शक्ति। बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग चूचू चार्ल्स पर करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये क्या हुआ, मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? चूचू चार्ल्स जैसे ही बाबा पर हमला करने वाला होता ही है, तभी बाबा कूद कर अपने आप को बचाते हैं। लगता है मेरी शक्ति यहाँ काम नहीं करेगी, पर बल की शक्ति से तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। बाबा अपनी बल की शक्ति से चूचू चार्ल्स पर हमला करते हैं। बाबा के पास बल की शक्ति बहुत होती है, जिससे चूचू चार्ल्स मार खाता है। चूचू चार्ल्स, मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगा। बाबा के लगातार वार से चूचू चार्ल्स वहां से भाग जाता है। बाबा को लगता है कि चूचू चार्ल्स वहां से भाग गया है, और वह अब वापस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही बाबा गांव वालों की तरफ जाते हैं, तभी बाबा को ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बाबा अपने पीछे मुड़ कर देखते हैं, पर वहां चूचू चार्ल्स कहीं दिखाई नहीं देता है। ट्रेन की आवाज़ तो आ रही है, पर चूचू चार्ल्स कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बाबा चूचू चार्ल्स को चारों तरफ देखने की कोशिश करते हैं, पर वह कहीं दिखाई नहीं देता है। चूचू चार्ल्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ये आवाज़ मेरा वहम तो नहीं? बाबा चूचू चार्ल्स की आवाज़ नज़रअंदाज कर देते हैं, और वह वापस से गांव की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता चूचू चार्ल्स जानबूझकर ऐसा कर रहा था। चूचू चार्ल्स समझ जाता है कि बाबा उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए वह तेजी से बाबा की तरफ बढ़ता है। चूचू चार्ल्स के आने का संदेह बाबा को भी हो जाता है, इसलिए बाबा अपने पीछे मुड़ते हैं। लेकिन तभी चूचू चार्ल्स बाबा से टकरा जाता है। चूचू चार्ल्स के टकराने से बाबा दूर गिर जाते हैं। चूचू चार्ल्स, तुम फिर वापस आ गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मार ही डालूंगा।
बाबा की बात सुनकर चूचू चार्ल्स तुरंत उनके पास जाता है और तेजी से बाबा पर हमला करता है। इस बार चूचू चार्ल्स के वार से बाबा घायल हो जाते हैं। ये क्या, मैं अपने आप को खड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बाबा के घायल हो जाने पर चूचू चार्ल्स धीरे धीरे उनके पास जाने लगता है। ओ शिट, चूचू चार्ल्स मेरे पास ही आ रहा है, मुझे कुछ करना होगा नहीं तो वो मुझे मार ही डालेगा। घायल हो जाने की वजह से बाबा उठ नहीं पाते हैं। चूचू चार्ल्स देखता है कि बाबा अब उठ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वह बाबा को मारने से पहले उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। चक्कर लगाने के बाद चूचू चार्ल्स बाबा को मारने के लिए जैसे ही हमला करने वाला होता ही है, तभी कोई चूचू चार्ल्स पर मिसाइल से हमला करता है। मिसाइल के वार से चूचू चार्ल्स वहां से दूर गिर जाता है। बहुत अच्छे पुलिस अंकल, आपका शॉट एकदम सही लगा। मिश्रा जी इतना खुश मत हो, क्योंकि चूचू चार्ल्स को इस वार से कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी लोग देखते हैं कि चूचू चार्ल्स उठकर उन लोगों की तरफ ही आ रहा है। गुप्ता जी कुछ कीजिए, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है। चूचू चार्ल्स को रोकने के लिए गुप्ता जी तुरंत पुलिस अंकल को इशारा करते हैं। गुप्ता जी का इशारा मिलते ही पुलिस फिर से अपने मिसाइल से चूचू चार्ल्स पर हमला करती है, पर चूचू चार्ल्स अपने आप को बचा लेता है। पुलिस अंकल, चूचू चार्ल्स बहुत तेज है, उस पर लगातार हमला करते रहिए। चूचू चार्ल्स को रोकने के लिए पुलिस लगातार वार करती है, लेकिन चूचू चार्ल्स बचते हुए उन लोगों के पास आ जाता है। गुप्ता जी अब तो गए हम लोग, चूचू चार्ल्स हमें मार डालेगा। मिश्रा जी इन मिसाइल से तो ये बच जा रहा है, इसे ऐसे नहीं मारा जा सकता है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। इधर बाबा अपने आप को किसी तरह खड़ा कर पाते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और तुम सभी लोग यहाँ से भागो, वरना चूचू चार्ल्स सभी को मार डालेगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत वहां से निकलते हैं, लेकिन पुलिस वाला वहां से निकल नहीं पाता है। पुलिस वाला ही चूचू चार्ल्स पर हमला किया था, इसलिए वह उन सभी को उठाकर पटक देता है। गुप्ता जी वो पुलिस अंकल तो फंस गए हैं। पुलिस वाला उठकर भागने का सोचता है, लेकिन चूचू चार्ल्स तेजी से उसके पास आ जाता है और उन सभी को मार डालता है। गुप्ता जी चूचू चार्ल्स ने पुलिस वालों को मार दिया। मिश्रा जी हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हमारा भी वही हाल होगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी, तुम दोनों को मैंने मना किया था यहाँ आने से, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुसीबत में फंस गए। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हमें आपकी चिंता हो रही थी। ठीक है, अब फटाफट यहाँ से निकलो, नहीं तो चूचू चार्ल्स किसी को नहीं छोड़ेगा। पुलिस वालों को मारकर चूचू चार्ल्स गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा की तरफ देखता है। गुप्ता जी भागिए, चूचू चार्ल्स हमारी तरफ ही देख रहा है। चूचू चार्ल्स से बचने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा वहां से भागते हैं। सभी को भागता देख चूचू चार्ल्स गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा का पीछा करने लगता है। बाबा चूचू चार्ल्स हमारा पीछा कर रहा है, कहीं हम सब पकड़े न जाए। मिश्रा जी घबराओ नहीं, हमें तेजी से गांव वालों के पास जाना है, उसके बाद चूचू चार्ल्स हमारा पीछा नहीं करेगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा तेजी से गांव वालों के पास जा रहे होते हैं, लेकिन मिश्रा जी दौड़ते दौड़ते अचानक नीचे गिर जाता है। गुप्ता जी और बाबा रुकिए, मैं नीचे गिर गया हूँ। मिश्रा जी की आवाज़ सुनकर गुप्ता जी और बाबा तुरंत मिश्रा जी के पास आ जाते हैं। मिश्रा जी उठिए, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है। गुप्ता जी मुझे बहुत जोर की चोट लग गई है, मैं उठ नहीं पाऊंगा। बाबा अब क्या करें, चूचू चार्ल्स तो इधर ही आ रहा है। गुप्ता जी तुम मिश्रा जी को उठने में मदद करो, तब तक मैं चूचू चार्ल्स को रोकने की कोशिश करता हूँ। चूचू चार्ल्स को रोकने के लिए बाबा मिश्रा जी के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। आजा चूचू चार्ल्स, मैं तैयार हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। चूचू चार्ल्स जैसे ही बाबा के पास आने वाला होता है, तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी बाबा के आगे आ जाता है। चूचू चार्ल्स देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया है, तो वह उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पैरों से कुचल देता है। चूचू चार्ल्स के कुचले जाने पर वह बूढ़ा व्यक्ति घायल हो जाता है। ओ शिट, चूचू चार्ल्स ने उस बूढ़ा व्यक्ति को कुचल दिया, मुझे उसे बचाना होगा। बूढ़ा व्यक्ति को बचाने के लिए बाबा चूचू चार्ल्स के नजदीक जाते हैं, लेकिन तभी चूचू चार्ल्स वहां से भाग जाता है। चूचू चार्ल्स यहां से क्यों भाग गया? बाबा को कुछ समझ नहीं आता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं था, पर चूचू चार्ल्स भागा क्यों? बाबा अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई संख्या में गांव वाले इधर ही आ रहे होते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि इतनी भीड़ को देखकर ही चूचू चार्ल्स यहां से भाग गया है। बाबा
आप हमारे गांव के लोगों को बचा लीजिए। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे गांव के लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है चूचू चास का अंत कैसे होगा? हाँ मुझे पता है, पर उसके लिए आपको चूचू चार्ल्स के 3 अंडों को फाइंड करना होगा। बूढ़ा व्यक्ति 3 अंडों का राज बताकर मर जाता है। बाबा ये बूढ़ा व्यक्ति तो मर गया। हाँ गुप्ता जी, ये व्यक्ति हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान गवा दिया, पर हमें गांव के लोगों को बचाना है। कैसे बचाएंगे बाबा, चूचू चार्ल्स तो बहुत ही ताकतवर है। मिश्रा जी, बूढ़ा व्यक्ति मरने से पहले कोई 3 अंडे ढूंढने को बोल रहा था, शायद उसकी मदद से वह मारा जा सकता है, पर उस 3 अंडे का रहस्य क्या है वो मुझे नहीं पता है। बाबा 3 अंडों का रहस्य के बारे में गांव के लोगों से पूछते हैं, पर उनमें से कोई भी कुछ नहीं जानता था। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा बहुत थक गए थे, इसलिए सभी लोग गाँव वालों के साथ गाँव की तरफ चले जाते हैं। गांव में प्रवेश करते ही बाबा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। मैं यहां अपने आप को अच्छा महसूस कर पा रहा हूं, शायद यहां मेरी शक्ति वापस आ गई है। बाबा को जैसे ही पता चलता है कि उनके पास शक्ति वापस आ गई है, तो वह तुरंत गांव के लोगों को कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने को बोलते हैं। बाबा लकड़ी का क्या करेंगे आप? गुप्ता जी, मेरी शक्ति वापस आ गई है, इसलिए मैं यज्ञ की मदद से बूढ़ा आदमी का आत्मा को यहाँ ले आऊँगा और फिर यहाँ के बारे में हम सभी को पता चल जाएगा। बाबा ने जैसा कहा था ठीक गांव के लोग कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखते हैं। बाबा अपने मन की शक्ति से उसमें आग जला देते हैं और यज्ञ में बैठ जाते हैं। कुछ समय यज्ञ करने के बाद वहाँ सफेद धुआं आता है, जिससे वह बूढ़ा व्यक्ति की आत्मा आ जाती है। बाबा आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शमशेर सिंह, चूचू चार्ल्स का अंत करने के लिए मुझे शुरू से सब कुछ जानना है कि आखिर ये सब कब से शुरू हुआ था। बाबा की बात मानते हुए वह बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ बताने लगता है। बाबा या उस समय की बात है जब हम सभी बहुत ही खुशी से यहाँ रहा करते थे, पर एक दिन यहाँ चार्ल्स कंपनी का मालिक आया। अरे बेटा तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं चार्ल्स हूँ और मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया हूँ। बिजनेस यहाँ इस आइलैंड में तो हम सभी गांव वालों के अलावा कोई नहीं है, तो तुम बिजनेस यहाँ कैसे करोगे? देखो मैं यहाँ खजाना निकालने आया हूँ जिसमें तुम लोगों का भी फायदा है। हमारा क्या फायदा है इसमें? तुम तो मेरी आइलैंड से सब लूट कर ले जाओगे, पर हम सब गांव वाले ऐसा होने नहीं देंगे। गांव वाले चार्ल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह अपने साथ हथियार लेकर आया था, जिसकी मदद से सभी लोग वहीं गांव में ही कैद हो जाते हैं। गांव में सभी कैद हो जाने की वजह से चार्ल्स आसानी से आइलैंड में ट्रेन की पटरियां बिछाने लगा और वहां से खजाना निकालने लगा। लेकिन एक दिन खुदाई करते समय एक बुरी आत्मा निकल आती है जो कई सालों से जमीन में दबी हुई थी। जब वह बाहर आई तो वह चार्ल्स के ट्रेन में ही समा गई और वह चूचू चार्ल्स बन गई। फिर क्या हुआ शमशेर सिंह? फिर वह चूचू चार्ल्स मजदूर को मारने लगती है जो चार्ल्स कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। चूचू चार्ल्स एक एक करके चार्ल्स कंपनी के कई मजदूर को मार डालता है, जिसके बाद चार्ल्स कंपनी को बहुत लॉस होने लगता है। काफी लॉस हो जाने की वजह से चार्ल्स अपने आदमी द्वारा चूचू चार्ल्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं होता है और वह सभी चूचू चार्ल्स से मारा जाता है।
चार्ल्स समझ गया था चूचू चार्ल्स को मारना इतना आसान नहीं है, इसलिए वह उससे दोस्ती करने का सोचता है। इसलिए वह खुद अपने आदमियों के साथ चूचू चार्ल्स से मिलने को जाता है। दोनों आपस में काफी समय तक बातचीत करते हैं और अंतिम फैसला निकलता है कि चूचू चार्ल्स उसके आदमी को नहीं मारेगा, लेकिन उसके बदले में चार्ल्स कंपनी को 3 अंडे संभाल के रखना होगा। यदि आप लोग वह 3 अंडों को नष्ट कर पाए तो चार्ल्स कंपनी का अंत चूचू चार्ल्स के द्वारा हो जाएगा और चूचू चार्ल्स भी कमजोर हो जाएगा। बुरा व्यक्ति की बात बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाते हैं। बाबा, यही था चूचू चार्ल्स के आने का कहानी, अब मुझे आज्ञा दें। शमशेर सिंह चूचू चार्ल्स की कहानी बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताने के बाद वहां से चला जाता है। बाबा, अब आगे क्या करना है? गुप्ता जी, गांव के लोगों को बचाने के लिए और चार्ल्स कंपनी का अंत करने के लिए हमें 3 अंडों को खोजना होगा। बाबा अपने मन की शक्ति से अंडे का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि चार्ल्स उस अंडे को किसी टनल में छुपा कर रखा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मुझे अंडे का पता चल गया है, वह अंडा किसी टनल में छिपा हुआ है। बाबा की बात गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाते हैं। बाबा, यदि हम सब यहाँ से बाहर निकले तो हो सकता है चूचू चार्ल्स मिले, लेकिन उसका सामना कैसे करेंगे? मिश्रा जी की बात सुनकर बाबा अपनी शक्ति से गुप्ता जी और मिश्रा जी को मिसाइल देते हैं और बाबा भी अपने पास मिसाइल रखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब ठीक है ना? चूचू चार्ल्स से मुकाबला करने के लिए ये सही है ना? मिसाइल को देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ बाबा, अब चूचू चार्ल्स से मुकाबला करने में बहुत मजा आएगा। अंडों को ढूंढने के लिए बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ गांव से बाहर निकलते हैं। गांव से बाहर निकलते ही सभी को चूचू चार्ल्स के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, लगता है चूचू चार्ल्स इधर आसपास ही है। तुम डर क्यों रहे हो मिश्रा जी? तुम्हारे पास तो मिसाइल है, घबराओ नहीं, हम सब मिलकर चूचू चार्ल्स को भगा सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, एक बात याद रखना, चाहे जो कुछ हो जाए सभी एक साथ रहना, नहीं तो चूचू चार्ल्स हम सभी को आसानी से हरा देगा। टनल को खोजने के लिए बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने चारों तरफ नजर बनाए हुए होते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा टनल को खोज रहे होते हैं, तभी मिश्रा जी की नजर चूचू चार्ल्स पर पड़ती है। गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स इधर ही आ गया है, वहाँ देखिए। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी और बाबा देखते हैं कि चूचू चार्ल्स उन लोगों के बगल में ही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अभी हमें अंडे को खोजना है, चूचू चार्ल्स से मुकाबला बाद में करेंगे, अभी यहाँ से निकलो, नहीं तो वह हमें देख लेगा। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर चूचू चार्ल्स को पता चल जाता है। गुप्ता जी, लगता है चूचू चार्ल्स ने हमें देख लिया है, भागिए यहाँ से। चूचू चार्ल्स से बचने के लिए तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। अरे मिश्रा जी, हम लोग भाग क्यों रहे हैं? हमारे पास तो मिसाइल है, उससे चूचू चार्ल्स को सबक सिखा सकते हैं। अरे हाँ गुप्ता जी, मैं तो भूल ही गया था, और साथ में बाबा भी भूल गए। सभी लोग रुक जाते हैं और चूचू चार्ल्स की तरफ एक साथ मिसाइल से हमला करते हैं। मिसाइल के वार से चूचू चार्ल्स दूर गिर जाता है। अरे वाह, एकदम सही निशाना लगा, चूचू चार्ल्स तो अब बचा नहीं होगा, वह तो मारा गया होगा। सभी को लग रहा था चूचू चार्ल्स मारा गया है और वह अब उठेगा नहीं, लेकिन तभी अचानक चूचू चार्ल्स फिर से खड़ा हो जाता है। ओ शिट, चूचू चार्ल्स तो फिर खड़ा हो गया। गुप्ता जी और मिश्रा जी, फिर एक बार साथ में हमला करो। बाबा के बोलने पर तीनों एक साथ चूचू चार्ल्स पर हमला करते हैं, पर इस बार चूचू चार्ल्स अपने आप को बचा लेता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा के वार करने पर चूचू चार्ल्स अपने आप को बचा लेता है, इसलिए बाबा अपना दिमाग लगाते हैं। गुप्ता जी और बाबा, कुछ कीजिए, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों यहाँ से भागो और अंडे को खोजो, मैं इसे दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। नहीं बाबा, यदि आप अकेले चूचू चार्ल्स से मुकाबला करेंगे तो वह आपको मार डालेगा। गुप्ता जी, मेरी चिंता मत करो,
मैं इसे संभाल लूंगा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, पर बाबा के जिद करने पर दोनों को वहाँ से जाना पड़ जाता है। चूचू चार्ल्स, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बाबा अपने मिसाइल से चूचू चार्ल्स पर सटीक हमला करते हैं, जिससे वह दूर फेंका जाता है। बाबा के वार से चूचू चार्ल्स को कुछ नहीं होता है और वह फिर से बाबा की तरफ आने लगता है। चूचू चार्ल्स बहुत जिद्दी है, मुझे इसका ध्यान भटकाकर कहीं और ले जाना होगा। बाबा चूचू चार्ल्स को अपने साथ दूसरी ओर ले जाने लगते हैं। इधर बाबा चूचू चार्ल्स का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए होते हैं और उधर गुप्ता जी मिश्रा जी अंडों को खोज रहे होते हैं। गुप्ता जी, हम दोनों तो इधर आ गए हैं, पर क्या बाबा अकेले चूचू चार्ल्स का मुकाबला कर पाएंगे? पता नहीं मिश्रा जी, चूचू चार्ल्स बहुत ही ताकतवर है, मुझे डर है कहीं वह बाबा को मार ना डाले। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मिश्रा जी की नज़र एक टनल पर पड़ती है। गुप्ता जी वहाँ देखिए, एक टनल है। बाबा ने कहा था चूचू चार्ल्स का अंडा किसी टनल में छिपा के रखा हुआ है, शायद यह वही टनल होगा। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा, शायद उस टनल में अंडा मिल सकता है, चलिए जाकर देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अंडा को खोजने के लिए टनल के नजदीक जाने लगते हैं। और उधर बाबा भागते भागते बहुत थक चुके थे, इसलिए बाबा एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। बाबा अचानक चूचू चार्ल्स के आंखों से ओझल हो जाते हैं, इसलिए चूचू चार्ल्स वहीं रुक जाता है और वह बाबा को ढूंढने लगता है। बाबा वहीं पत्थर के पीछे से छिपकर चूचू चार्ल्स पर नजर बनाए हुए होते हैं, लेकिन तभी चूचू चार्ल्स बाबा के नजदीक जाने लगता है। कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है, मुझे कुछ करना होगा। बाबा बहुत थक चुके थे, इसलिए वह भाग नहीं सकते थे, लेकिन बाबा के पास मिसाइल होता है, इसलिए चूचू चार्ल्स से अपनी जान बचाने के लिए बाबा उस पर फिर से हमला करते हैं। बाबा के वार से चूचू चार्ल्स दूर गिर जाता है। चूचू चार्ल्स, अब मैं अकेले ही तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाबा लगातार चूचू चार्ल्स पर हमला करते रहते हैं। और उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी टनल के जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं, तभी कोई गुप्ता जी और मिश्रा जी को आवाज लगाता है। एयू, रुक जाओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अनजान आवाज सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन दोनों को चूचू चार्ल्स के शक्ल का मुखौटा पहना हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, ये तो चूचू चार्ल्स का मुखौटा पहना हुआ है। हाँ मिश्रा जी, मुझे लगता है ये चार्ल्स का ही साथी है, हमें जल्दी से टनल के अंदर घुस जाना चाहिए और अंडे को कलेक्ट कर लेना चाहिए। अंडे को कलेक्ट करने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी सुरंग की तरफ जैसे ही जाने लगते हैं, तभी चार्ल्स का साथी अलार्म बजा देता है। चार्ल्स का साथी गुप्ता जी और मिश्रा जी पर बंदूक से फायर करता है, पर गुप्ता जी और मिश्रा जी टनल के अंदर घुस जाते हैं। अलार्म बजने की वजह से वहां बहुत सारे चार्ल्स के साथी आ जाते हैं। उधर बाबा के लगातार वार से भी चूचू चार्ल्स को कुछ नहीं होता है और वह बाबा के वार से बचते बचते नजदीक आ रहा था। धीरे धीरे नजदीक आकर चूचू चार्ल्स बाबा पर वार कर देता है, जिससे बाबा दूर गिर जाते हैं। बाबा नीचे गिरते हैं तो चूचू चार्ल्स बहुत खुश होता है और धीरे धीरे बाबा के नजदीक जाने लगता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि चार्ल्स का साथी उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उससे बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी सुरंग के और अंदर भागने लगते हैं। कुछ दूर भागते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी रुक जाते हैं, क्योंकि चार्ल्स का साथी आगे भी खड़ा होता है। गुप्ता जी, हम दोनों फंस गए हैं, चार्ल्स का साथी हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मिश्रा जी घबराओ नहीं, हमारे पास मिसाइल है, रास्ता क्लियर करो। मिश्रा जी गुप्ता जी की बात समझ जाता है और दोनों मिसाइल से हमला करते हैं। मिसाइल के वार से चार्ल्स का साथी मारा जाता है। बहुत खूब मिश्रा जी, चलिए अंडा को खोजते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी सुरंग के और अंदर घुसते हैं, तो सामने ही एक अंडा दिखाई पड़ता है। अरे वाह गुप्ता जी, हमें अंडा मिल गया। मिश्रा जी इतना खुश मत हो, अभी तो एक ही अंडा मिला है, हमें दो और अंडा ढूंढना होगा। हाँ गुप्ता जी, लेकिन पहले एक अंडा को तो कलेक्ट कर लें। गुप्ता जी चूचू चार्ल्स का एक अंडा को कलेक्ट कर लेता है। और उधर चूचू चार्ल्स जैसे ही बाबा को मारने वाला होता है, तभी वह तुरंत वहां से भागने लगता है। चूचू चार्ल्स को अचानक भागते हुए देख बाबा को कुछ समझ नहीं आता है। चूचू चार्ल्स मुझे मारे बिना इतनी तेजी से कहां भागे जा रहा है?
बाबा अपना दिमाग लगाते हैं तो उन्हें सब समझ में आ जाता है। ओ सिट, मुझे गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचाना होगा। जरूर गुप्ता जी और मिश्रा जी ने चूचू चास का अंडा कलेक्ट किया होगा, जो चूचू चास को पता चल गया है, इसलिए उसे रोकने के लिए वह यहाँ से निकल गया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी की मदद करने के लिए बाबा तुरंत वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें एक ट्रेन दिखाई पड़ता है। मैं पैदल जल्दी नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे इस ट्रेन की मदद लेनी चाहिए। बाबा तुरंत ट्रेन में बैठकर उसे चालू करते हैं और चूचू चार्ल्स का पीछा करते हैं, क्योंकि बाबा को पता नहीं होता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी को अंडा कहाँ मिला है, इसलिए बाबा चूचू चार्ल्स का पीछा करते हैं। चूचू चार्ल्स तेजी से गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ भागता है और बाबा ट्रेन में बैठकर चूचू चार्ल्स का पीछा करते हैं। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी अंडा कलेक्ट करके सुरंग से बाहर आने लगते हैं। बाहर आते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि चार्ल्स का साथी भी बाहर खड़ा है। फंस गए गुप्ता जी, आगे चार्ल्स का साथी खड़ा है। चार्ल्स का साथी को आगे खड़ा देख मिश्रा जी कांपने लगता है। तुम दोनों जल्दी से अंडा हमें दे दो, नहीं तो हम सभी तुम्हें मार डालेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि वहाँ चार्ल्स का साथी काफी मात्रा में आते जा रहा है, इसलिए गुप्ता जी और मिश्रा जी रिस्क नहीं लेते हैं। सोच क्या रहे हो, तुम दोनों जल्दी से अंडा बाहर निकालो, नहीं तो मरोगे। मिश्रा जी, अब भागने से कोई फायदा नहीं है, अंडा निकाल कर इन लोगों को दे दो। गुप्ता जी, मेरे पास अंडा कहाँ से आएगा, वो तो आपके पास है ना। ओ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। गुप्ता जी, आपके मजाक के चलते हम दोनों मारे जाएंगे, इसलिए जल्दी से अंडा इन लोगों को दे दीजिए। मिश्रा जी की बात मानते हुए गुप्ता जी वह अंडा बाहर निकालते हैं। यही अंडा तुम लोगों को चाहिए क्या? हाँ, जल्दी से हमें अंडा वापस दो और ज्यादा होशियारी मत करना, नहीं तो तुम्हारा यही अंत हो जाएगा। ठीक है फिर, ये लो। गुप्ता जी चूचू चार्ल्स का अंडा ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। अंडा को ऊपर फेंकते ही सभी चार्ल्स के साथी का ध्यान अंडे के ऊपर चला जाता है और तभी गुप्ता जी अपने मिसाइल से सभी का अंत कर देते हैं। अंडा के गिरने से पहले गुप्ता जी वापस से उसे पकड़ लेते हैं। मिश्रा जी आगे चले, चार्ल्स का सभी साथी मारा गया है और अंडा भी मेरे पास है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर ही रहे थे तभी दोनों को चूचू चार्ल्स की हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, एक मुसीबत गई नहीं, दूसरी मुसीबत आ रही है, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है। मिश्रा जी घबराओ नहीं, चूचू चार्ल्स के यहाँ आने से पहले हम दोनों निकल जाएंगे। गुप्ता जी तुरंत अंडा को अपने पैकेट में रखते हैं और मिश्रा जी को लेकर वहाँ से निकलते हैं। गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स के आने की आवाज तेज हो रही है, लगता है हम दोनों मरने वाले हैं। मिश्रा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस तेजी से चलते रहो। गुप्ता जी और मिश्रा जी चूचू चार्ल्स की आवाज सुनकर वहाँ से भागते रहता है और उधर चूचू चार्ल्स तेजी से गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ आ रहा होता है, जिसका पीछा बाबा कर रहे होते हैं। मिश्रा जी डर के मारे बार बार पीछे देख रहा होता है और तभी वह देखता है कि चूचू चार्ल्स उन लोगों की तरफ ही आ रहा है। गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स हमारे पीछे ही है, भागे जल्दी यहाँ से। चूचू चार्ल्स को अपने पीछे देख गुप्ता जी और मिश्रा जी और भी तेजी से भागते हैं। इधर बाबा ट्रेन के अंदर बैठकर चूचू चार्ल्स का पीछा कर रहे होते हैं। मिश्रा जी, चूचू चार्ल्स से हम दोनों बच नहीं पाएंगे, इसलिए हमें कहीं छिपना होगा। गुप्ता जी की बात मानते हुए मिश्रा जी चारों तरफ देखता है और उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी चलिए उस पत्थर के पीछे छिपते हैं। चूचू चार्ल्स से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। पत्थर के पीछे छिपने के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी चूचू चार्ल्स को देख रहे होते हैं। गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है, लगता है वो हमें देख लिया है। चूचू चार्ल्स गुप्ता जी और मिश्रा जी को देख चुका था, इसलिए गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए वह पत्थर में जोरदार वार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी बाबा अपने ट्रेन का स्पीड बढ़ाते हैं, जिससे ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाती है और तेजी से जाकर चूचू चार्ल्स से टकरा जाती है, जिसके बाद चूचू चार्ल्स दूर फेंका जाता है। अरे वाह, हम दोनों तो बच गए, लेकिन ट्रेन कौन चला रहा था? मिश्रा जी, ट्रेन बाबा चला रहे थे, वहाँ देखिए बाबा इधर ही आ रहे हैं। बाबा को देखकर मिश्रा जी बहुत खुश होता है और आपस में बात करने लगता है।
इधर चूचू चार्ल्स वापस से उठता है और गुप्ता जी और मिश्रा जी को ढूंढने लगता है। चूचू चार्ल्स चारों तरफ देखता है और पत्थर की तरफ भी जाकर देखता है, पर गुप्ता जी और मिश्रा जी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को कहीं भी ना देख चूचू चार्ल्स वापस वहां से चला जाता है। बाबा, आपके चलते ही हम बच पाए हैं, वरना चूचू चार्ल्स हमें मार देता। मिश्रा जी, चूचू चार्ल्स कभी भी इधर आ सकता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बाबा, इतनी जल्दी कहाँ तक भाग पाएंगे? चूचू चार्ल्स बहुत तेज है, वह हमें पकड़ लेगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी, हमें भागना नहीं है, बस हम सभी को पेड़ के पीछे छिपना है। बाबा, हमने एक अंडा कलेक्ट कर लिया है, पर दो और अंडा कहाँ मिलेगा? गुप्ता जी, मैंने कहा था कि तीनों अंडा सुरंग में ही मिलेगा, पर तुम्हें एक सुरंग में एक अंडा मिला है, तो बाकी का अंडा किसी और सुरंग में होगा। बाबा की बात गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाते हैं, इसलिए सभी एक और सुरंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग अपने चारों तरफ नजर बनाए हुए होते हैं, क्योंकि चूचू चार्ल्स कभी भी कहीं भी आ सकता है। कुछ दूर जाने के बाद मिश्रा जी को एक और सुरंग दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, एक और सुरंग मुझे मिल गया, वहाँ देखिए। गुप्ता जी और बाबा सुरंग की तरफ देखते हैं, तो वहाँ चार्ल्स का साथी और खुद चूचू चार्ल्स दिखाई पड़ता है। बाबा, अब क्या करें? चार्ल्स का साथी को तो हम दोनों तो संभाल लेंगे, पर चूचू चार्ल्स को कैसे संभालेंगे? गुप्ता जी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं चूचू चार्ल्स का ध्यान अपनी ओर खींचता हूँ, और जैसे ही चूचू चार्ल्स मेरी ओर आएगा, तुम दोनों सुरंग के अंदर घुसकर वह अंडा लेके आ जाना। बाबा की बात गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाते हैं, इसलिए दोनों बाबा को अपना ध्यान रखने को बोलते हैं। बाबा तुरंत वहां से निकलते हैं और चूचू चार्ल्स के नजदीक जाते ही अपने मिसाइल से हमला करते हैं। मिसाइल सीधे चूचू चार्ल्स को जाकर लगता है। मिसाइल का हमला से चूचू चार्ल्स का ध्यान बाबा पर पड़ता है और वह तुरंत बाबा की तरफ भागता है। बाबा के वार से चार्ल्स का साथी सावधान हो जाता है और धीरे धीरे काफी मात्रा में सुरंग की सुरक्षा बढ़ जाती है। चूचू चार्ल्स को सुरंग से दूर रखने के लिए बाबा वहां से भागते हैं, जिसके बाद चूचू चार्ल्स भी सुरंग से दूर होता जा रहा था। मिश्रा जी, तैयार हो जाओ, चार्ल्स के साथी पर हमला करते हुए हमें तेजी से सुरंग के अंदर घुसना है। मिश्रा जी गुप्ता जी की बात समझ जाते हैं और जैसे ही चूचू चार्ल्स सुरंग से दूर होता है, तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी मिसाइल से हमला करते हुए सुरंग की तरफ जाने लगते हैं। मिसाइल का आवाज चूचू चार्ल्स सुन लेता है और वह वापस सुरंग की तरफ जाने लगता है, क्योंकि चूचू चार्ल्स को समझ आ जाता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी चार्ल्स के साथी पर हमला कर दिया है। अपने अंडे को बचाने के लिए चूचू चार्ल्स तेजी से सुरंग की तरफ भागता है। ओ नो, चूचू चार्ल्स तो सुरंग की तरफ जा रहा है, अगर उसे रोका नहीं गया तो वो गुप्ता जी और मिश्रा जी को मार डालेगा। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने मिसाइल से सभी चार्ल्स के साथी को मार डालते हैं। बहुत अच्छे मिश्रा जी, अब हमें अंडे को लेने के लिए सुरंग के अंदर जाना है। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी चूचू चार्ल्स के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गुगु गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स तो इधर ही आ रहा है, वो हमें मार डालेगा। गुप्ता जी को कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। मिश्रा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चूचू चार्ल्स को कैसे रोकें, लेकिन हमारे पास मिसाइल है, क्यों ना एक साथ वार करके देखते हैं। अपनी जान बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी एक साथ चूचू चार्ल्स पर हमला करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के वार से चूचू चार्ल्स थोड़ा धीमा हो जाता है, पर वह धीरे धीरे नजदीक आ ही रहा था। गुगु गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स रुक नहीं रहा है, वो तो धीरे धीरे इधर ही आ रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी चूचू चार्ल्स को रोकने का बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, और उधर बाबा तेजी से गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ भाग रहे होते हैं। पता नहीं गुप्ता जी और मिश्रा जी कैसे चूचू चार्ल्स का सामना कर रहे होंगे। मिश्रा जी, चूचू चार्ल्स को रोकना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। गुप्ता जी कहाँ भागेंगे, वो बहुत तेज है, हमें छोड़ेगा नहीं। मिश्रा जी, चूचू चार्ल्स बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे लगता है वह सुरंग के अंदर घुस नहीं पाएगा, हमें सुरंग के अंदर ही भागना चाहिए। गुप्ता जी की बात मानते हुए दोनों सुरंग के अंदर भागते हैं। भाग मिश्रा जी भाग, वरना चूचू चार्ल्स तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को सुरंग के अंदर भागता देख चूचू चार्ल्स सुरंग के पास आ जाता है। चूचू चार्ल्स साइज में बड़ा होता है, इसलिए वह अंदर जा नहीं पाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे मुड़कर देखते हैं कि चूचू चार्ल्स सुरंग के अंदर घुस नहीं पाता है। गुप्ता जी मजा आ गया, चूचू चार्ल्स अंदर घुस नहीं पा रहा है। अरे चूचू चार्ल्स, कहाँ गई तुम्हारी ताकत?
बहुत जल्द तुम मरोगे। मिश्रा जी के उकसाने पर चूचू चार्ल्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह पूरी ताकत लगाता है। चूचू चार्ल्स के ताकत लगाने की वजह से सुरंग टूटने लगता है। सुरंग धीरे धीरे टूटने लगता है, जिसके बाद मिश्रा जी बहुत डर जाता है। गुप्ता जी, ये क्या, चूचू चार्ल्स तो सुरंग को तोड़ रहा है, अब हम दोनों फंस गए हैं। मिश्रा जी पीछे हटो, वरना चूचू चार्ल्स हमें कुचल देगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे पीछे हटते हैं ताकि चूचू चार्ल्स उन्हें मार ना दे। चूचू चार्ल्स को रोकने के लिए बाबा वहां आ जाते हैं और मिसाइल से हमला करते हैं। मिसाइल के वार से चूचू चार्ल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह सुरंग को तोड़ने में लगा हुआ होता है। चूचू चार्ल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ और करना होगा, नहीं तो गुप्ता जी और मिश्रा जी मारा जाएगा। चूचू चार्ल्स लगातार सुरंग पर हमला कर रहा था, जिससे धीरे धीरे सुरंग टूट रहा था। मिश्रा जी पीछे भागो, शायद पीछे से भागने का कोई रास्ता होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी सुरंग के और अंदर जाने लगते हैं, तो उन्हें एक और अंडा दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, एक और अंडा मिल गया, पर आगे का रास्ता तो बंद है। मिश्रा जी अंडा को उठाकर रख लो और जैसे ही मौका मिलेगा तो हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। गुप्ता जी की बात मानते हुए मिश्रा जी वह अंडा उठा लेता है। अंडा को उठाते ही चूचू चार्ल्स आग बबूला हो जाता है और वह और भी तेजी से सुरंग को तोड़कर गुप्ता जी और मिश्रा जी के नजदीक जा रहा था। इधर बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी का मदद करने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं और तभी उसे एक जेसीबी दिखाई पड़ता है। बाबा तुरंत जेसीबी के पास जाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। चूचू चार्ल्स, अब तुम तो गए, इस बुलडोजर से बचोगे नहीं। बाबा जेसीबी को फुल स्पीड में स्टार्ट करके उससे बाहर निकल आते हैं। जेसीबी तेजी से चूचू चार्ल्स से टकराने के लिए बढ़ता है, लेकिन चूचू चार्ल्स यह देख लेता है। चूचू चार्ल्स अपनी रक्षा करने के लिए वह जेसीबी को हवा में उड़ा कर पटक देता है। तेजी से नीचे गिरने की वजह से जेसीबी में ब्लास्ट हो जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया, चूचू चार्ल्स ने बुलडोजर को नष्ट कर दिया। गुप्ता जी अब क्या करें, अंडा तो मेरे पास आ गया है, पर चूचू चार्ल्स से कैसे बचें? चूचू चार्ल्स से बचने के लिए गुप्ता जी अपना तेज दिमाग लगाते हैं, तभी उन्हें एक आइडिया आता है। मिश्रा जी पीछे हटो, हम लोग यहाँ से बाहर आ सकते हैं। कैसे गुप्ता जी? अरे मिश्रा जी, तुम बस जरा पीछे तो हटो। गुप्ता जी और मिश्रा जी थोड़ा पीछे हटते हैं और तभी गुप्ता जी अपने मिसाइल से सुरंग पर हमला करते हैं, जिसके बाद सुरंग में रास्ता बन जाता है। अरे वाह गुप्ता जी, आपने तो कर दिखाया, अब हम दोनों यहाँ से बच सकते हैं। मिश्रा जी फटाफट यहाँ से निकलो, चूचू चार्ल्स को पता चल चुका होगा कि हमने सुरंग को तोड़ दिया है और यहाँ से भागने वाले हैं। गुप्ता जी की बात मानते हुए दोनों सुरंग से बाहर आकर तेजी से भागते हैं। सुरंग से निकलते ही चूचू चार्ल्स गुप्ता जी और मिश्रा जी का पीछा करने लगता है। गुप्ता जी सुरंग से तो बाहर निकल आए, पर चूचू चार्ल्स हमारा पीछा कर रहा है। मिश्रा जी भागते रहो जब तक चूचू चार्ल्स से बचने का कोई उपाय ना मिल जाए। गुप्ता जी और मिश्रा जी इधर देखो, हमें इधर से निकलना है। गुप्ता जी मुझे बाबा की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मिश्रा जी की बात सुनते ही गुप्ता जी ध्यान से चारों तरफ देखते हैं, तो उन्हें आगे बाबा बुलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। बाबा का आवाज़ सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत उनकी तरफ भागते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी ट्रेन के अंदर जल्दी से बैठो, हमें यहाँ से निकलना है और तीसरा अंडा जल्दी से जल्दी ढूंढना है। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और बाबा ट्रेन के ऊपर खड़े रहते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को ट्रेन से भागता देख चूचू चार्ल्स अपनी तेजी बढ़ाता है। चूचू चार्ल्स हमारे नजदीक आते जा रहा है, मुझे उसकी गति कम करनी होगी। चूचू चार्ल्स को रोकने के लिए बाबा अपने मिसाइल से हमला करते हैं। लगातार मिसाइल के वार से चूचू चार्ल्स धीमा हो जाता है और वह वहां से भाग जाता है। चूचू चार्ल्स के भागते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी ट्रेन को रोक देते हैं और सभी बाहर आ जाते हैं। बाबा हमने चूचू चार्ल्स को भगा दिया है, पर अब तीसरा अंडा कहाँ होगा? मिश्रा जी तीसरा अंडा भी किसी गुफा में होगा, इसलिए हमें समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए और वह तीसरा अंडा को ढूंढना चाहिए। बाबा की बात गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाते हैं और तीसरा अंडा को ढूंढने के लिए सभी आगे बढ़ते हैं।
कुछ दूर आगे जाने पर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा को एक गांव वाला दिखाई पड़ता है जो इधर ही आ रहा था। गुप्ता जी, सामने से कोई व्यक्ति इधर ही आ रहा है, क्यों ना उनसे ही पूछ लिया जाए कि आगे कोई सुरंग है या नहीं। हाँ मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए उससे पूछते हैं। बाबा, गुप्ता जी और मिश्रा जी उस आदमी से पूछते हैं तो वह व्यक्ति बताता है कि आगे 100 मीटर दूर एक सुरंग है जहां चार्ल्स का साथी बंदूक लेकर खड़ा है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा समझ जाते हैं कि चूचू चार्ल्स का आखिरी अंदा वहीं पर होगा, इसलिए सभी जल्दी से उसी रास्ते में जाने लगते हैं। 100 मीटर चलने के बाद सभी को एक और सुरंग दिखाई पड़ता है। अरे वाह गुप्ता जी, यहाँ तो चूचू चार्ल्स नहीं है, लगता है तीसरा अंडा हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। शायद ऐसा ही हो, पर चूचू चार्ल्स का कोई ठिकाना नहीं है, वह कब और कहाँ से आ जाएगा ये किसी को पता नहीं है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों अंडा लेके यहाँ आओ, तब तक मैं यहाँ पर नजर बनाए रखूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी सुरंग के पास जाने लगते हैं और बाबा इधर ध्यान रखते हैं कि कहीं चूचू चार्ल्स आ गया तो उसे गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाने से रोकेंगे। मिश्रा जी, चार्ल्स के साथी को सुरंग से दूर करो। हाँ गुप्ता जी, ये काम तो मैं ही करूँगा। अरे चार्ल्स का साथी लोग, यहाँ से निकलो नहीं तो सबको उड़ा डालूंगा। मिश्रा जी के एक ही बार बोलने पर सभी लोग वहाँ से चला जाता है। अरे वाह मिश्रा जी, तुमने तो कमाल कर दिया, बिना मिसाइल के वार किए सभी को भगा दिए। गुप्ता जी, ये अपून का स्टाइल है, अच्छे अच्छे लोग मुझसे डरते हैं। हाँ ठीक है, ज्यादा फेंको मत, क्योंकि सबको पता है तुम कितने बहादुर हो। चलो अब अंडा लेकर आना है हमें। अंडा को लाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। सुरंग के अंदर घुसते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुछ हलचल होता हुआ अनुभव होता है, इसलिए दोनों अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो चार्ल्स का साथी सुरंग को बाहर से बंद कर दिया था। गुप्ता जी, हम दोनों तो फंस गए, चार्ल्स का साथी ने हमें कैद कर लिया है। मिश्रा जी घबराओ नहीं, हमारे पास तो मिसाइल है, इसे तोड़कर बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। मिश्रा जी, सुरंग को तोड़ने से पहले चलो अंडा को ले आते हैं। अंडा को लेने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी सुरंग के और अंदर जाते हैं तो उसे कुछ और हलचल सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, यहाँ तो कोई है, मुझे हलचल होता हुआ अनुभव हो रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी सोच ही रहे थे तभी उन्हें चूचू चार्ल्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, ये चूचू चार्ल्स के आने का आवाज है, कहीं चूचू चार्ल्स। मिश्रा जी, तुम जो सोच रहे हो शायद मुझे लगता है ये सच होने वाला है, क्योंकि आगे देखिए, चूचू चार्ल्स को अपने आगे देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वह दोनों सुरंग में फंस चुके थे। मिश्रा जी, हमें यहाँ से वापस भागना पड़ेगा, पर हमें लास्ट अंडा भी कलेक्ट करना है। चूचू चार्ल्स धीरे धीरे गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आ रहा होता है, इसलिए गुप्ता जी और मिश्रा जी भी धीरे धीरे पीछे जा रहे थे। गुप्ता जी, अब क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिश्रा जी, हमें अंडा को लेकर यहाँ से निकलना है, इसलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम करो। ठीक है गुप्ता जी, जल्दी से बोलिए। मिश्रा जी, चूचू चार्ल्स एक समय में दो जगह नहीं जा सकता है, इसलिए हम दोनों अलग अलग जगह जाएंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं गुप्ता जी? मिश्रा जी, तुम बस पीछे से निकलो, तब तक मैं अंडा लेकर आता हूँ। अंडा लाने के लिए गुप्ता जी अपने मिसाइल से चूचू चार्ल्स पर हमला करते हैं, लेकिन चूचू चार्ल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिश्रा जी, एक साथ चूचू चार्ल्स पर हमला करो। गुप्ता जी के बोलने पर दोनों एक साथ चूचू चार्ल्स पर हमला करते हैं, जिसके बाद चूचू चार्ल्स थोड़ा पीछे होता है। मिश्रा जी, फिर से हमला करो। गुप्ता जी और मिश्रा जी लगातार दो तीन बार चूचू चार्ल्स पर हमला करते हैं, जिसके बाद चूचू चार्ल्स थोड़ा और पीछे हटता है। तभी मौका मिलते ही गुप्ता जी दूसरी ओर चले जाते हैं। मिश्रा जी, मैं अंडा को लेकर आता हूँ, तुम यहाँ से निकलो। गुप्ता जी को रोकने के लिए चूचू चार्ल्स गुप्ता जी की तरफ जाने लगता है। ये क्या, आगे का रास्ता तो बंद है, मुझे इसे तोड़ना होगा। बंद रास्ता को तोड़ने के लिए गुप्ता जी मिसाइल से हमला करते हैं, जिसके बाद वो रास्ता खुल जाता है और गुप्ता जी तुरंत अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाते ही गुप्ता जी को अंडा दिखाई पड़ता है। अरे वाह, तीसरा अंडा भी मिल गया, चलो इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं।
गुप्ता जी अंडा को कलेक्ट तो कर लेते हैं, पर आगे अब जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। और दूसरी तरफ चूचू चार्ल्स होता है, जो बहुत ही गुस्से में गुप्ता जी को देख रहा था। ओ नो, मैं तो फंस गया। लगता है चूचू चार्ल्स से अब मैं बच नहीं पाऊंगा। गुप्ता जी को मारने के लिए चूचू चार्ल्स आगे बढ़ता है और गुप्ता जी धीरे धीरे पीछे हटते हैं। चूचू चार्ल्स तेजी से गुप्ता जी पर हमला करता है, जिससे गुप्ता जी नीचे गिर जाते हैं। गुप्ता जी के नीचे गिरते ही चूचू चार्ल्स बहुत खुश होता है और उन्हें मारने के लिए अपने आगे का पैर ऊपर उठाता है, लेकिन तभी कोई मिसाइल से चूचू चार्ल्स पर हमला करता है। गुप्ता जी निकलो यहाँ से, नहीं तो चूचू चार्ल्स किसी को छोड़ेगा नहीं। गुप्ता जी की मदद करने बाबा और मिश्रा जी आ जाते हैं और सभी जल्दी से सुरंग से बाहर आ जाते हैं। बाबा, यहाँ से जाने से पहले चूचू चार्ल्स को यहीं कैद कर देते हैं ताकि वह हमारा पीछा ना कर सके। गुप्ता जी का बात बाबा समझ जाते हैं, इसलिए सभी सुरंग से थोड़ा दूर होते हैं और एक साथ सुरंग पर निशाना लगाते हैं। बाबा जल्दी से आज्ञा दें, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है। बाबा का आज्ञा मिलते ही सभी एक साथ कई बार मिसाइल से सुरंग पर हमला करते हैं। लगातार मिसाइल के वार से सुरंग टूट जाता है और चूचू चार्ल्स वहीं दब जाता है। अरे वाह, अब चूचू चार्ल्स हमारा पीछा नहीं कर पाएगा और हम सभी आसानी से तीनों अंडा को नष्ट कर सकेंगे। मिश्रा जी, पर अंडा को कैसे नष्ट करेंगे? गुप्ता जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम सभी अंडे को एक जगह रखेंगे और मिसाइल से उसे फोड़ देंगे। अरे मिश्रा जी, ये चूचू चार्ल्स का अंडा है जो बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे लगता है इसे मिसाइल से नष्ट नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है बाबा? गुप्ता जी, मेरा भी यही मानना है कि ये अंडा में जो शक्ति है वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमें इसे ऐसे कहीं भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो बाबा अब क्या करें और कैसे पता करें कि अंडा को नष्ट कहाँ करना है? गुप्ता जी और बाबा बात कर ही रहे थे तभी बूढ़ा आदमी की आत्मा वहाँ आती है। बाबा, आप लोगों ने तीनों अंडा कलेक्ट कर लिया है और अब उसे नष्ट करने का समय आ गया है। शमशेर सिंह, तीनों अंडा को कहाँ और कैसे नष्ट करना है हमें बताओ। बाबा, यहाँ से 200 मीटर दूर एक टेंपल है, वहाँ आपको जाना है और तीनों अंडा रखना है। तीनों अंडा रखते ही वह नष्ट हो जाएगा और हमारा गांव चूचू चाल से आजाद हो जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति अंडा को नष्ट करने का तरीका बताकर वहां से गायब हो जाता है। चलिए गुप्ता जी और बाबा, इस मुसीबत का अंत किया जाए। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा टेंपल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर चूचू चाल सुरंग में दबा हुआ होता है और वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। 200 मीटर चलने के बाद सभी को एक टेंपल दिखाई पड़ता है। अरे वाह, टेंपल तो मिल गया है, अब बस अंडा को उसके अंदर रखना है और फिर सब सही हो जाएगा। मिश्रा जी, चार्ल्स का साथी आगे खड़ा है, उसे मारकर रास्ता क्लियर करो। मिश्रा जी अपने मिसाइल से चार्ल्स के साथी को मार डालता है और सभी टेंपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। उधर चूचू चार्ल्स अपनी पूरी ताकत लगाकर सुरंग से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। सुरंग से बाहर आते ही चूचू चार्ल्स तेजी से कहीं जाने लगता है। उधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा अंडा को लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। गुप्ता जी, मुझे लगता है तीनों अंडा को यहीं रखना है। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी यही लगता है। रुको, मेरे पास दो अंडा है, पहले उसे रखता हूँ, फिर अंतिम वाला तुम रखना। गुप्ता जी अपने पैकेट से एक एक करके दो अंडा निकाल कर रख देते हैं। मिश्रा जी, अब तुम अंडा निकालो और यहाँ उसे रख दो। गुप्ता जी की बात मानते हुए मिश्रा जी जैसे ही अंडा बाहर निकालता है तभी वहाँ चार्ल्स और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। रुक जाओ, तुम सब ऐसा मत करो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। चार्ल्स की बात सुनकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा उसकी तरफ देखते हैं। चार्ल्स और उसके साथी को देखकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा समझ जाते हैं कि ये चार्ल्स कंपनी का मालिक है। चार्ल्स, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने तो पहले से ही यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मुझे माफ कर दो, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बस तुम आखिरी अंडा वहाँ नहीं रखना। चार्ल्स की बात गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा नहीं मानते हैं और वह आखिरी अंडा भी वहाँ रख देते हैं। आखिरी अंडा रखते ही वहाँ हलचल तेज हो जाती है और एक एनर्जी अंडा से निकलती है।
नो 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 भागो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा देखते हैं कि चार्ल्स और उसका साथी वहाँ से भागने लगा है। गुप्ता जी, जरा ऊपर तो देखिए, चूचू चार्ल्स फिर से आ गया है। गुप्ता जी और बाबा ऊपर देखते हैं कि चूचू चार्ल्स अंडा से निकलने वाली एनर्जी को अपने अंदर समा रहा है। बाबा, ये क्या, चूचू चार्ल्स तो अंडा से निकलने वाली एनर्जी को अपने अंदर समा रहा है। बाबा ध्यान से चूचू चार्ल्स को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि चूचू चार्ल्स अब पहले से काफी शक्तिशाली बन रहा है, इसलिए सभी को वहां से भागने को कहते हैं। बाबा की बात मानते हुए सभी लोग वहां से भागते हैं। चूचू चार्ल्स अंडा की पूरी शक्ति अपने अंदर समाने के बाद वह नीचे आता है। नीचे आते ही चूचू चार्ल्स अपनी शक्ति का एक नमूना दिखाता है, जिसमें वह मंदिर को तोड़कर बाहर आता है और पूरा गुस्सा से चिल्लाता है। चार्ल्स कंपनी का मालिक अपना वादा नहीं निभा पाया, जो अंडा को सुरक्षित रखना था अब वह नष्ट हो चुका है, इसलिए चूचू चार्ल्स सबसे पहले चार्ल्स को मारना चाह रहा था। भागो रे भागो, चूचू चार्ल्स हम सभी को मार डालेगा। चार्ल्स और उसका साथी वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी चार्ल्स देखता है कि चूचू चार्ल्स उसी के पीछे है। अरे भाग रे भाग, चूचू चार्ल्स हमारे पीछे ही है। चूचू चार्ल्स तेजी से आगे बढ़ता है और चार्ल्स के दोनों साथी को एक एक करके मार डालता है। दोनों साथी के मरते ही चार्ल्स और भी तेजी से भागता है, पर चूचू चार्ल्स तेजी से चार्ल्स के आगे आ जाता है। चूचू चार्ल्स, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। चूचू चार्ल्स चार्ल्स की बात नहीं सुनता है और वह चार्ल्स को मार डालता है। चार्ल्स को मारने के बाद चूचू चार्ल्स गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा की तरफ जाने लगता है। गुप्ता जी, अंडा के नष्ट होने के बाद चूचू चार्ल्स को मर जाना चाहिए था ना, पर वह मरा क्यों नहीं, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। मिश्रा जी, शायद अंडा नष्ट करने पर चूचू चार्ल्स की शक्ति कम हो जाती, पर वह अंडा की शक्ति अपने अंदर समा लिया है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया। हाँ गुप्ता जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर हमें सतर्क रहना है क्योंकि चूचू चार्ल्स हम लोगों से बदला लेने जरूर आएगा। हाँ बाबा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा आपस में बात करते हुए जा रहे थे, तभी सभी को चूचू चार्ल्स की आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स इधर ही आ रहा है। मिश्रा जी, आगे ट्रेन है, चलो उससे निकलते हैं। सभी लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं, तभी मिश्रा जी की नज़र चूचू चार्ल्स पर पड़ जाती है, जो सभी का पीछा कर रहा था। गुप्ता जी, बाबा, चूचू चार्ल्स हमारे पीछे है, हमें जल्दी भागना होगा। चूचू चार्ल्स से बचने के लिए गुप्ता जी और बाबा ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और मिश्रा जी ट्रेन को चलाते हैं। चूचू चार्ल्स को रोकने के लिए गुप्ता जी और बाबा अपने मिसाइल से लगातार हमला करते हैं। चूचू चार्ल्स बहुत ही ताकतवर हो चुका था, इसलिए वह भाग नहीं रहा था बल्कि ट्रेन का पीछा करते रहता है। मिसाइल का वार से चूचू चार्ल्स को कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, इसलिए वह धीरे धीरे ट्रेन के नजदीक आने लगता है और ट्रेन को तबाह करने की कोशिश करता है। बाबा, ट्रेन तबाह हो जाएगा, हमें चूचू चार्ल्स को रोकना होगा। गुप्ता जी और बाबा लगातार मिसाइल से वार कर रहे होते हैं, जिसके बाद चूचू चार्ल्स चलते चलते गायब हो जाता है। बाबा, चूचू चार्ल्स किधर चला गया, वो कहीं दिख नहीं रहा है। गुप्ता जी, मुझे लगता है कि उसके पास गायब होने की शक्ति आ गई है, पर वह इधर आसपास ही है, हमें सतर्क रहना है। गुप्ता जी और बाबा चारों तरफ सतर्क बनाए हुए होते हैं, तभी अचानक चूचू चार्ल्स सामने आ जाता है। चूचू चार्ल्स के आते ही बाबा और गुप्ता जी मिसाइल से वार करते हैं। बाबा, ये तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, अब इसे कैसे हराएंगे? गुप्ता जी, मेरे दिमाग में एक उपाय है, क्यों ना इसे गांव के पास ले जाए, जहां ये कभी नहीं जाता है। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा, और वहां आपकी शक्ति भी वापस आ जाएगी। हाँ गुप्ता जी, पर फिर भी हमें इसे मिसाइल की वार से कमजोर करना है। हाँ बाबा, बाबा और गुप्ता जी चूचू चार्ल्स को कमजोर करने के लिए लगातार उस पर वार करते रहते हैं।
लगातार वार से चूचू चार्ल्स कमजोर होते जा रहा था, इसलिए वह बार बार अपने आप को गायब करके अचानक ट्रेन पर वार करने लगा। लेकिन बाबा और गुप्ता जी बहुत सतर्क होते हैं, जिसके बाद चूचू चार्ल्स बार बार मार खाता जा रहा था। गुप्ता जी, लगता है हम लोग गांव के नजदीक से गुजरने वाले हैं। जैसे ही मैं इशारा दूं, तभी तुम मिश्रा जी को ट्रेन रोकने को बोलना। बाबा की बात गुप्ता जी समझ जाते हैं, इसलिए वह थोड़ा पीछे जाकर खड़ा हो जाते हैं। बाबा लगातार मिसाइल से वार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी फिर से चूचू चार्ल्स गायब हो जाता है। गुप्ता जी अभी बोलो। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी तुरंत मिश्रा जी को रुकने को बोलते हैं। ट्रेन के रुकते ही सभी ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और उधर चूचू चार्ल्स भी वापस आ जाता है। गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स वापस आ गया है, भागिए जल्दी से। गुप्ता जी और मिश्रा जी, गांव की तरफ भागो। चूचू चार्ल्स से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। चूचू चार्ल्स सभी को मारने के लिए उन सभी का पीछा करता रहता है। चूचू चार्ल्स का स्पीड तेज होता है, इसलिए वह सभी के नजदीक पहुंचने लगता है। लेकिन तभी गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा गांव में प्रवेश कर लेते हैं। पर चूचू चार्ल्स गांव के अंदर नहीं घुसता है और वह वहीं रुक जाता है। गांव के अंदर आते ही बाबा की शक्ति वापस आ जाती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मेरे पास मेरी शक्ति वापस आ गई है, अब चूचू चार्ल्स बचेगा नहीं। चूचू चार्ल्स को मारने के लिए बाबा अपनी शक्ति से उसे गांव के अंदर लाते हैं। गांव के अंदर आते ही चूचू चार्ल्स की शक्ति कम होने लगती है, इसलिए वह वहां से भागने का सोचता है। पर बाबा अपने इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से उसे जकड़ लेते हैं और उसे कहीं जाने नहीं देते हैं। अरे वाह, अब तो चूचू चार्ल्स की खैर नहीं। चूचू चार्ल्स, तुमने बहुत लोगों की जान ली है, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। चूचू चार्ल्स मरने से बचने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर वहाँ चूचू चार्ल्स की शक्ति धीरे धीरे कम होते जा रही थी। बाबा अपनी शक्ति से चूचू चार्ल्स पर जोरदार हमला करते हैं, जिसके बाद चूचू चार्ल्स वहीं मारा जाता है। चूचू चार्ल्स के मरने के बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अरे वाह, चूचू चार्ल्स के साथ चार्ल्स कंपनी का भी अंत हो गया। हाँ मिश्रा जी, अभी साइलेंट में सब समस्या समाप्त हो गया है और अब यहाँ के लोग खुशी से अपना जिंदगी जी सकते हैं। चूचू चार्ल्स के अंत होते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा वापस से अपने घर जाने लगते हैं। सभी लोगों को लग रहा था कि चूचू चार्ल्स का चैप्टर समाप्त हो गया है, पर उसी आइलैंड में एक गुफा में चूचू चार्ल्स के 3 अंडे की तरह काफी मात्रा में अंडा पड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, ये सभी अंडा क्या चूचू चार्ल्स का है या किसी और एनिमी का? आपको क्या लगता है इन सभी अंडों का रहस्य के बारे में, हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि इन सभी अंडों का रहस्य चूचू चार्ल्स के सीजन 2 में पता चलेगा। तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।